देखिए आप लोगों को गलतफहमी हो। अच्छा तो अब हम लोगों को गलतफहमी हो गई है। आप बोले बताओ। एक मिनट, मेरे घर के आगे इस तरह तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। जाहिद को मैंने बुलाया था। क्या आपने बुलाया था? अब वो भी इस वक्त? हाँ मैंने बुलाया था। आप जानना चाहते हैं ना क्यों? अंदर चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। हाँ ठीक है, चलो चलो अंदर चलो, साथ चलते। चलो मैं आ रही हूँ एक मिनट में, चलो बैठो जाके। हेलो। हाँ हेलो। अम्मा मुझे बहुत सख्त घबराहट हो रही है, कहाँ हैं आप? आले मेरी बच्ची, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अब तो तेरे दुश्मनों के घबराने का टाइम आ गया है। क्या मतलब है इस बात का अम्मा? मतलब ये कि आज मैं तेरा बदला लेके ही वापस आऊंगी, तो चैन आराम से सो जा, तेरे दुश्मनों की नींद उड़ने वाली। अरे अम्मा क्या बोल रही हो, कहाँ हो तुम मुझे बताओ। बकरी। हेलो हेलो अम्मा, या अल्लाह खैर, अम्मा क्या कह रही थी? कहीं माजी भीम जी के घर। बोलो भी, ऐसे बुद्ध बन के क्यों खड़े हो गए? और देख लो ये माँ जबीन कह रही है, फरमा रही है मोहतरमा के जाहिद मियाँ खुद नहीं आए थे, मैंने बुलाया था उनको। खाज का गवाह डड्डू, मैं साल तो सुनी थी लेकिन डराते हुए पहली दफा देखा। बुलाया था या खुद आया था, बात तो एक ही हुई ना। और देख कैसे अपने मुंह से खुद इकरार भी कर लिया। अब बताओ ना क्यों मोहल्ले वालों? हाँ हाँ सही कह रही हो आप। अब ये बेगरती हमारे महल्ले में नहीं चलेगी, पता नहीं हमारी नाक के नीचे खेल कब से खेला जा रहा है। मैं जबीन बीबी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मोहल्ले में आपकी कितनी इज्जत है, लोग आपकी इफ्फत की मिसालें देते हैं। रहने देने आज भाई, ऐसे ही लोग आपके आंखों में धूल झोंक देते हैं। अरे जाहिद मियां तो अकेले नहीं, यहाँ पे तो पता नहीं क्या कुछ उतरा है। शुभरतन खाला खामोश, चुप हो जाओ वरना। अरे क्या भाई, क्या कर लोगे? इतने दीदा दिले लोगे और जाहिद के तुम हमारे सामने आपा पे झपक पड़ोगे। और तुम लोग जो एक पाक बाज औरत की इज्जत को तार तार कर रहे, वो क्या? अच्छा पाक बाज औरत, अरे मत भूलो कि तुम्हें हमें इसके साथ रंगे हाथों पकड़ा है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महजबी से तुम्हारा रिश्ता क्या है? हकीकत जानना चाहते हो तुम लोग? बताता हूँ। कैसे हाथ पकड़ के ले गई उसको? जाहिद एक बार अच्छी तरह सोच ले, अगर सबके सामने हकीकत खुल गई तो वापसी का कोई रास्ता नहीं। सोच लिया मैंने माजी, अच्छी तरह से सोच लिया। हमारा रिश्ता कागजी से, लेकिन आप इज्जत है मेरी, इस तरह आपकी बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता, कम से कम मेरे नाम से तो बिल्कुल नहीं।